अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास जनरल मैथ के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे रेडिकल्स को इन्वॉल्व करते हैं, यानी इनमें रेडिकल का साइन आपको नज़र आएगा। रेडिकल इक्वेशंस के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब हम इनका सोल्यूशन निकालते हैं तो इनकी जो भी रूट्स निकलती हैं, यानी एक्स की जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट हम करते हैं, उनमें से ज़रूरी नहीं कि वो तमाम तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। तो जो वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाती हैं और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकती या सोल्यूशन नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हम रेडिकल के साइन को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, या एक्स प्लस 15 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -2 अंडर रूट एक्स। अब स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए, या अंडर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बोथ साइड्स पे हम स्क्वेयर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वेयर ले लेते हैं, एक्स -15 कंप्लीट स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ -2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये एक ही टर्म है इसलिए इसमें आप इसको सिंपली आप इसका स्क्वेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। -2 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा +4, जबकि अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स रेज टू पावर 1/2। तो 1/2 का जब हम स्क्वेयर निकालेंगे तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा खाली एक्स, जबकि यहाँ पर आपने ए माइनस बी कम्प्लीट स्क्वेयर का फार्मूला यूज करना है, जैसे स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट टर्म -2 द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड टर्म। अब रिजल्ट आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर -30x +225, जबकि 4x को जब आप लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो आएगा -4x विच इज़ इक्वल टू 0। हम इक्वेशंस को सॉल्व करना बेसिकली ग्रेड 8 तक या 9 तक सीख चुके हैं। तो एक्स स्क्वेयर -34x +225 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको 34x या 225 के हमने दो फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि जब उनको हम ऐड करें तो रिज़ल्ट है 34 आए, जबकि -34 आए, जबकि पर मल्टीप्लाई करने की सूरत में रिज़ल्ट 225 आए। तो 225 के फैक्टर्स बनाने के लिए पहले 3 7 times 21, 3 5 times 15, यानी आपके पास एक पेयर आ गया 3 into 75। सिमिलरली अगेन इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे 3 पर तो 3 2 times 6, 3 5 times 15। अब यहाँ पर आपके पास बन गया 9, तो 9 multiplied by 25, अगेन 5 times 5 is 25। अब तीनों का प्रोडक्ट 3 into 3 9, 9 into 5 45, मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इसमें इसको करेक्ट आंसर लेने का सबसे आसान मेथड ये है कि आप जो सबसे पहले जो साइन सेकंड टर्म के साथ यूज़ किया गया है, माइनस का साइन जो प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के हवाले से आया, तो माइनस का जो साइन है वो आपने हमेशा ग्रेटर वैल्यू को अलॉट करना है। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू -45 है इसके साथ पहला साइन, उसके बाद इन दोनों साइंस के टकराने से जो नया साइन बनेगा माइनस प्लस माइनस, वो आप स्मॉलर वैल्यू को अलॉट कर देंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आपके साइंस बिल्कुल ठीक लगेंगे। आपने याद रखना है कि ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने ये पहला साइन यूज़ करना है, पहला मीन सेकंड टर्म का साइन चूज़ करना है, और टकराने वाला साइन जो है दोनों साइंस के टकराने से जो नया साइन बनेगा वो आपने स्मॉलर वैल्यू को अलॉट करना है। इस तरह आप देख सकते हैं -75 and -3, जब हम इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा -78। प्रोडक्ट तो आपके पास 225 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 225 आ जाएगा, लेकिन आपके पास एडिशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो -78 है, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मींस ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है, ये पेयर हमें इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, -25 -9, माइनस माइनस प्लस ग्रेटर वैल्यू का साइन, 25 + 9, ये आप रूल जानते ही हैं, तो 34 ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इसलिए हम इसी पेयर को यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर -9x -25x और देन +225 इज इक्वल टू
जीरो। अब सबसे पहले x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस नाइन फर्स्ट टू टर्म्स में से, माइनस 25 जब कॉमन निकालेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 25, नाइन टाइम्स 225 इज इक्वल टू ज़ीरो। x माइनस नाइन अगेन इनमें कॉमन फैक्टर है, बाकी आपके पास बचा x माइनस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम देखें तो हमारे पास दो सोल्यूशन आए, x माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा आपके पास आया x माइनस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ आपने सेमी कॉलन का साइन लगाना है या आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 9 जबकि दूसरी तरफ आपके पास x की वैल्यू आ गई 25। अब पता कैसे चले कि इनमें से कौन सी एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सी एक्सट्रीनियस रूट नहीं है? तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन में टू चेक की हेडिंग देकर तो इन दोनों इक्वेशंस को चेक करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ये याद रखिएगा, चेक करते वक्त आपने इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं करनी। x इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स, ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 9, टेकिंग 9 एज द वैल्यू ऑफ x, 15 माइनस 2 अंडर रूट 9, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास है 25, तो 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट 25। अब यहाँ आपके पास है 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 जबकि स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज 3। 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 2, स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज 5। तो 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 6, जबकि 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 10। अब यहाँ आप देख सकते हैं तो 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आपके पास वैल्यू 9 जो थी इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी है, सेटिस्फाइड कर दी है। देखें दोनों तरफ वैल्यूज बराबर आ गई, जबकि यहाँ पर आप देखते हैं तो दूसरी तरफ रिजल्ट आपके पास 5 आ रहा है जबकि 25 इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सॉल्यूशन सेट में कि x इज इक्वल टू 9 जबकि 25 इज एक्सट्रीनियस रूट। इसी तरीके से आपने बाकी के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 10, 12 ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 10, 13, 14, 15 अप टू 20, ये सब आपने खुद करने हैं सॉल्व नीट कॉपी पर, और सबमिशन की डेट में आपने सबमिट भी करवाने हैं।